हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था वो था हमारा यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया था? वोहलर ने सिंथेसाइज किया था। ही वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनेट, बट क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल था कंपाउंड, तो ये रीअरेंज हो जाता था यूरिया के अंदर। ठीक है, ये एक बाई चांस डिस्कवरी थी और जिसमें यूरिया बना। बाई चांस डिस्कवरीज को हम सिरेंडिपिटी भी बोलते हैं, एक साइंस में वर्ड आता है सिरेंडिपिटी। ठीक है, जिसको बाई चांस डिस्कवरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये बाई चांस का मतलब ये नहीं है कि ये तुक्के से हुई है, इसका मतलब ही वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर समथिंग बट ही गॉट समथिंग एल्स। ठीक है, ये उन्हीं के साथ होती है जो काम करते हैं, उनके साथ नहीं होती, बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो जो वोहलर थे उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर दिया यूरिया। अब इससे पहले ना इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, क्योंकि पहले इस यूरिया के सिंथेसिस से पहले एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव किया जाता था। बर्जेलियस ने दी थी, ये स्वीडिश केमिस्ट थे ये, जिसमें उन्होंने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत है, तो इनको लैब में सिंथेसाइज करना उस टाइम पर इम्पॉसिबल माना जाता था। बट जैसे कि एक्सीडेंटली यूरिया बन गया, तब सबको पता चल गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। उसके बाद जब कार्बन कंपाउंड्स एक बना, तो उसके बाद इतने बने कि अभी तक बनते ही जा रहे हैं। क्यों? अब देखो, कार्बन के कंपाउंड्स मैंने बताया कि एक बार ही बनने लगे, तो इतने सारे बनने लगे बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। आपको पता है जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर कैटिनेशन की पावर है किसी के अंदर तो वो कार्बन के अंदर है। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, ये कार्बन बहुत सारे, हमें फुलरीन्स हमने पढ़े हैं जिसमें C60 तक जाता है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन रहता है सेल्फ लिंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स बनाना ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है, आई मीन टू से कि ये कंपाउंड बन जाते हैं। बनाना ईजी नहीं है, अगर बनाना ईजी होता तो हर दूसरे तीसरे ईयर में जो नोबल प्राइजेज होते हैं केमिस्ट्री में, वो ऐसे साइंटिस्ट को नहीं मिलते जिन्होंने न्यू कंपाउंड डिस्कवर किए हैं। जैसे बूट्स रिएक्शन है, देखो सोडियम की प्रेजेंस में हमने एल्केन्स बना लिए, तो ये सारे के सारे रिएक्शंस क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हैं कि कार्बन कार्बन की लिंकिंग कराएंगे, कभी किसी मेथड से कराएंगे, कभी दूसरे मेथड से कराएंगे, और जितने ज़्यादा ग्रीनर अप्रोच की तरफ चलते चलेंगे उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ते चलेंगे साइंटिफिक फील्ड में। क्या होता है आज के टाइम में, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो इस टाइम पे हमारा मेन फोकस है कि हम ऐसी तरफ साइंस को लेके जाएं, ऐसी तरफ हर टेक्नोलॉजी को लेके जाएं जो एक ग्रीनर एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाए। ग्रीनर का मतलब है यहाँ पर जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचाए। जैसे मैंने वुड्स का एग्जांपल लिया, सोडियम की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आज के टाइम में मैं कहूँ कि ऐसे रिएक्शन की बात करूँगी जो वाटर में पॉसिबल है, ठीक है, तो कितना अच्छा है ना। अगर वाटर में रिएक्शन हो जाएगी तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है, वाटर तो अवेलेबल है, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं रहेगा हमारे लिए। चलो, बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते, इस पर कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात कर रही थी कैटिनेशन की, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड जो हैं बन जाते हैं। तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, जिसमें हमें आगे बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है हमारी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे उसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2, sp एंड किस तरह से कार्बन बॉन्ड बनाता है, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।